जय श्री राम बोलने के कारण घरों में घुस करके तलवार से किया गया हमला, ऐसा आरोप है बीजेपी का टीएमसी के ऊपर में। खुलाई भक्तरी जो कि ठोकर के नज़दीक है तुलसी नगर नामक स्थान से। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट को देख। ऐसा हिंदुओं का वजह से आज बोला बोला सियापति राम चंद्र के। पंचायत से जब बात करने के लिए आया गया है, उनके घर में दो महिलाएं हैं। इन पंचायत का हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। इनको इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, हम लोग इनसे कोई बातचीत नहीं है। इनके मम्मी पापा आएंगे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम लोग इसीलिए खड़े हैं, ये यहाँ के पंचायत है, ये इनके घर का जो राधा पासवान है, ये यहाँ की पंचायत है, और इन्होंने वहाँ पर खड़ा होके मारपीट करवाया है। जय श्री राम बोलने की वजह से राधा पासवान खड़ा होके वहाँ मारपीट करवाई है। आप लोग यहाँ पर टीएमसी का जो पंचायत है जी, क्यों खड़े यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि हम लोग का देश में जय श्री राम बोलने की वजह से टीएमसी का एक पंचायत हिंदू का घर में ढुकवा के अब्दुल अली से हम लोग का हिंदू भाई बहन को कटवाया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं राधा पासवान के घर के सामने। टीएमसी का पंचायत है ये, हम लोग यही चाहते हैं ये टीएमसी का पंचायत सब हिंदू के सामने खड़ा होकर माफी मांगे कि जय श्री राम हम लोग अपना देश में क्यों नहीं बोल पाएंगे। और हम लोग का ही वोट लेके इन लोग जीता है, और आज हम लोग पे ही इन लोग जोर दिखा रहा है। दूसरा बाहर का गुंडा बुला के, ये लोग गुंडा बुला के हम लोग पे जोर दिखाता है कि आप लोग को हम लोग का हिसाब से रहना पड़ेगा। आज आदमी का कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो अपने हिसाब से नहीं जी सकता है, वो अपने भगवान का पूजा नहीं कर सकता है। आज जय श्री राम बोलने की वजह से तलवार से काटा गया है। बस हम लोग का बस इतना ही बोलना है कि ये जो टीएमसी का पंचायत है जिसने खड़ा होकर हमारे हिंदू भाई बहन को कटवाया है, वो सबके सामने पूरे पंचायत के सामने क्षमा मांगे। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम बोलना, इन लोग के लिए चिल्लाना है। आप लोग बोले, कौन नहीं बोलता जय श्री राम? कौन नहीं बोलता? हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग बोलते जय श्री राम, हम लोग नहीं बोलते जय श्री राम। जय श्री भगवान का नाम है, कौन लेगा जय श्री राम? जय श्री राम क्यों नहीं लेगा? हम लोग कहते जय श्री राम, भगवान का नाम हुआ। कोई पार्टी उठी नहीं है इसमें, कोई पार्टी नहीं है इसमें, कोई पार्टी नहीं है। जय श्री राम भगवान का होता है, भगवान का नाम सब ले सकता है। एक नहीं ऐसा है आरोप है कि आपका जो पंचायत है आपका कौन लगता है? माँ माँ लगता है उसको पिटाया लोगों का बात क्या है? कुछ जानेंगे नहीं पहचानेंगे। बात जो सामने में जो बोला बात वही सही है। एग्जैक्ट बात क्या है वो तो कोई नहीं जानता है। जो लड़ा कौन लड़ा, दोनों के बीच क्या हुआ क्या बात नहीं हुआ, वही जान सकता है। आपका नाम आपका घर का सामने जो मौत है, आपका माँ तो पंचायत है। हाँ, मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे सारा लेडीज था, यहाँ बैठी हुई थी। माँ का पता नहीं है क्या हुआ क्या बात नहीं हुआ। पंचायत कहाँ है आपकी माँ? कहाँ है माँ? नहीं है घर पे अभी। कल आपका माँ खुद इस घटना पे इनको लीड किया है, क्या बोलेंगे? क्या लीड किया है जो घटना घटा है कल? हाँ, इस गांव में उसके लिए मेन दोषी आपका माँ को सजा है। मैं माँ जानेगी तब तो मैटर क्या है। मम्मी जहाँ पे झगड़ा हुआ मारपीट क्या किया क्या नहीं किया, माँ थी वहाँ पे? नहीं थी। बोले थे आपका माँ भी थी? माँ नहीं थी। जो बोल रहा है ना बहुत खराब बात बोल रहा है। माँ नहीं थी मेरी यहाँ पे। यहाँ पे माँ, मेरे अंकल सब बैठे थे यहाँ पे।
यहाँ माँ वहाँ पे झगड़ा हुआ क्या हुआ माँ कुछ खबर नहीं है। माँ यहाँ बैठी हुई थी, हम लोग कहीं गए थे, हम कहीं गए थे मार्केट, वहाँ से आए तो देखिए बहुत सारा झगड़ा हो रहा है। एक आंटी मिली हमको, बोले ऐसा बात थी, तो मम्मी आपको मम्मी को आकर आप सुनिए ना, शांति से बात कीजिए। हाँ बोलिए। अभी ऐसा है कि छह लोगों की जो है ऊपर अटैक हुआ है, छह सात लोग है जी। इनका कहना है कि जय श्री राम बोलने के बाद इनको जो है अब मेजर क्या है आपको पता है? सुन लीजिए ना, पहले शांति शांति रखिए जी। तो अभी आपके माँ नहीं है? नहीं है। तो अभी आपको क्या कहना है, आप कौन है? कहना हम उनका बेटी है। कहना ये है कि मेरे पेरेंट्स घर में नहीं है, तो ये लोग क्यों आके चिल्ला रहे मेरे पे? ये जायज बात है? आप बताइए, आपका घर में कोई कुछ होगा, आप कुछ करेंगे, आपके आपका बेटी का बच्चा कुछ चलाएगा, आप बर्दाश्त करेंगी? बोलिए। तो आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया, पापा को फोन किया, पापा आ रहे हैं। पुलिस को क्यों बुलाएंगे? पापा आ रहे, पापा को फोन किया, रुकिए आप लोग, पापा आ रहे हैं। नहीं चल क्यों, आप पापा आ रहे हैं ना। मम्मी से बात हुई आपकी? मम्मी का बात नहीं हुई, मम्मी कहीं गई हुई, अभी थी नाश्ता। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्रीशंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट, गोरुमारा बंगलो के नजदीक, न्या मूर्ति नदी, लाटागुड़ी।